गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अल्टरनेटिंग सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस। अल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो देखते हैं कि करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप्स होता है। नाउ इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। तो वहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि हमने पढ़ा था आरएमएस वोल्टेज कितना होता है, दैट इज आरएमएस वोल्टेज या आरएमएस करंट कितना होता है। आरएमएस करंट की बात करते हैं तो आई जीरो अपॉन रूट टू, और आरएमएस वोल्टेज की बात करें तो कितना आ जाएगा, वी जीरो अपॉन रूट टू। तो मैंने आपसे कहा था कि 220 वोल्ट एसी इज मोर डेंजरस, तो घर में जो वोल्टेज आता है वो क्या आता है, उस वोल्टेज को क्या कहेंगे, आरएमएस वोल्टेज होता है। तो घर में जो वोल्टेज आता है वो आरएमएस वोल्टेज होता है 220, दैट इज वी जीरो अपॉन रूट टू। तो वी जीरो इज इक्वल टू 220 इंटू रूट टू 1.414, ये आता है 311 वोल्ट। तो ध्यान रखना, मैंने कहा था ना कि अल्टरनेटिंग करंट इज मोर डेंजरस। मोर डेंजरस क्यों है, क्योंकि 220 वोल्टेज डीसी का मतलब 220 वोल्टेज ही है, लेकिन अगर 220 वोल्ट एसी तो इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 311 वोल्ट है, इसलिए हमें क्या करना है, ये मतलब डेंजरस होता है। दैट इज व्हाई एसी वोल्टेज इज मोर डेंजरस देन डीसी। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितना होगा, 311 वोल्ट। तो एक क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। अब जरा देखो कि एसी सर्किट में अगर सिर्फ रेजिस्टेंस जुड़ा होता है तो वोल्टेज और करंट में क्या चेंजेस आते हैं। तो पहले बना लेंगे एक डायग्राम, दिस इज योर रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट। अभी तक पहले में क्या था, ये कि यहाँ पे बैटरी जुड़ी होती थी, बैटरी का मतलब डीसी, लेकिन अब रेजिस्टेंस अल्टरनेटिंग करंट के साथ जुड़ा है, तो देखें क्या इफेक्ट आता है। तो इसका रेजिस्टेंस है आर है, ये अल्टरनेटिंग करंट है, तो करंट कितना होता है अल्टरनेटिंग करंट में, आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी इन एसी, एज द करंट एंड वोल्टेजेस बोथ आर फ्लक्चुएटिंग, तो आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, या ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। व्हाट इज दिस ई हियर, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या ईएमएफ, ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। फ्रॉम ओम्स लॉ कितना जानते हैं, ई इज इक्वल टू आई इंटू आर, फ्रॉम ओम्स लॉ ई इज इक्वल टू कितना होता है, बी इज इक्वल टू आई आर, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज ई इज इक्वल टू आई इंटू आर, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू। सो आई आर इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, सो आई इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन आर साइन ओमेगा टी। अब इस करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, आई की करंट जो है वो साइन ओमेगा टी ई और आर पर डिपेंड है, तो ई जीरो तो पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू तो फिक्स होगी, एक कोई ना कोई एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये फिक्स है, रेजिस्टेंस फिक्स है, तो साइन ओमेगा टी पर आई, तो आई मैक्सिमम कब होगा, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये इक्वल टू होगा वन, तो आई इज इक्वल टू ये आई जीरो पीक वैल्यू है ना, आई जीरो कितना हो जाएगा, अगर ये वन हो जाएगा तो ई जीरो अपॉन आर, दिस इज योर पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, या पीक वैल्यू बोलो, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो देखो जी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारे पास ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, करंट आ गया हमारे पास आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, दैट मीन्स करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम वोल्टेज, द करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज।
देखो जी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि करंट और वोल्टेज दोनों क्या है, सेम फेज में है। अब ये फेज क्या होता है और एक कॉन्सेप्ट आता है रोटेटिंग वेक्टर्स। क्या आता है कॉन्सेप्ट? रोटेटिंग वेक्टर्स, या इसको कहते हैं फेजर्स, PHASORS, फेजर्स। अब पूछेंगे सर ये फेजर्स क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी एसी करंट और एसी वोल्टेज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया करते हैं थ्रू फेजर्स, और इसको रोटेटिंग वेक्टर्स भी कहा जाता है। रोटेटिंग वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? दीज वेक्टर्स, दे, अब वेक्टर्स है तो ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। दीज वेक्टर्स दे रोटेट अबाउट देयर ओरिजिन विथ एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। और इसके ये एंगल है ना, तो थीटा, थीटा क्या होता है? ओमेगा टी। समझ में आया? फेजर्स का मतलब देखो जी यहाँ पर हम लोग करेंट और वोल्टेज के फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। फेजर्स का मतलब होता है फेज रिप्रेजेंट करना। अब कभी क्यों क्या होता है कि वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होता है, तो उसके जो फेज को रिप्रेजेंट करना, दिखाना कि या दोनों साथ साथ में वैरी कर रहे हैं कि एक आगे है एक पीछे है, उसको रिप्रेजेंट करना, दैट इज नोन एज फेजर्स। फेजर्स मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेज। किसका फेज? वोल्टेज और करंट का। अब इसको वेक्टर क्यों कहा जाता है? क्या करंट और वोल्टेज वेक्टर है? नहीं, करंट भी स्केलर है, वोल्टेज भी स्केलर है। तो कभी मैं बोल रहा हूँ करंट आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है, तो इस आगे पीछे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेक्टर्स का यूज करते हैं, एंड दैट आर नोन एज फेजर्स, ठीक है। और देखें जरा डिटेल में हम लोग ऐसे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि द करंट इज फ्लक्चुएटिंग। कभी करंट की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 बढ़ रही है ना, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे करंट अलग, दूसरे इंस्टेंट टाइम पे करंट अलग, तीसरे इंस्टेंट ऑफ टाइम पे करंट अलग। तो ये क्या कर रहा है? फ्लक्चुएट कर रहा है ना, वैरी कर रहा है। तो इसीलिए अब करंट वैरी कर रहा है तो वोल्टेज भी वैरी कर रहा होगा। तो हमें ये देखना है कि करंट और वोल्टेज क्या साथ साथ वैरी करते हैं, या वोल्टेज बढ़ाया कुछ और करंट आया कुछ और। जैसे हमने इंडक्टर में पढ़ा था कि जैसे ही हम लोग इंडक्टर में करंट पास करते हैं तो उसमें सेल्फ इंडक्टेंस के कारण अपोजिंग ईएमएफ सेटअप हो जाता है जो करंट को बढ़ने नहीं देगा। तो उस केस में क्या रहेगा? वोल्टेज तो बढ़ाएंगे ना, वोल्टेज बढ़ाएंगे, लेकिन करंट क्या होगा? कम होगा। इस तरीके से उनके जो फेज को जो रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज डन थ्रू मैथमेटिकली, दैट इज कॉल्ड एज फेजर्स, या सिंपल टर्म्स में याद रखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज थ्रू अ डायग्राम, दैट इज कॉल्ड एज द फेजर डायग्राम या फेजर्स, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका आ गया करंट। अब यहां पर देख रहे हैं कि जैसे इक्वेशन E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी है, वैसा ही करंट है I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। यानी देखो, एक जब आई जीरो मैक्सिमम है तो ई जीरो मैक्सिमम, सेम चीज इक्वेशन सारे, दैट मीन्स दोनों के इक्वेशन करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में हैं, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका हो गया E वोल्टेज और ये आपका हो गया करंट, ठीक है। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, जैसे थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा टी। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जैसे मैं आपको मैं 5 सेकंड पर देख रहा हूँ यहाँ पर कि करंट और वोल्टेज का कितनी करंट है और कितना वोल्टेज है, तो यहाँ पर इसके प्रोजेक्शन वेक्टर्स यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे और करंट और वोल्टेज देख लेंगे। वाई एक्सिस पे हमेशा या तो करंट या वोल्टेज को प्लॉट किया जाता है, और एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम प्लॉट करते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसके प्रोजेक्शन देख लेंगे, करंट के प्रोजेक्शन यहाँ पर। तो I कितना हो जाएगा? आई जीरो साइन ओमेगा टी वन। वोल्टेज देखना है तो कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी वन।
तो इस तरीके से इस डायग्राम को कहा जाता है फेजर डायग्राम। क्या कहा जाता है? फेजर डायग्राम। अगर एसी के टर्म्स में हम समझेंगे कि कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, तो देखो जी ये ऐसे करंट या वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया। देखो जी ऐसे, ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज वाला कर्व हो गया और ये आपका करंट वाला कर्व। क्लास 11th पढ़ते थे हम लोग फेज, लास्ट वेव मोशन में, तो वहाँ पर एक साथ देखो जी ऊपर के साइड है ना, दोनों का सेम फेज है, नीचे की तरफ है, दोनों का फेज ऑपोजिट है, मतलब ये एक साथ में है ना, एक साथ में मैक्सिमम हो रहे हैं, एक साथ में जीरो हो रहे हैं, तो ये दीज आर सेट टू बी इन सेम फेज। तो ये डायग्राम आपको ये बने, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अल्टरनेटिंग सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, तो पहले तो डेरिवेशन दिखाएंगे, फिर ये बनाएंगे डायग्राम, फिर फेजर डायग्राम पूछता है कि ड्रॉ द फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम मतलब बनाएंगे, ये एक डायग्राम और बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।